नमस्कार, मैं उमा श्रीवास्तव आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम बताने जा रहे हैं आपको इस चैनल में चर्म रोग से मुक्ति। गंगा जी, आज गंगा जी के प्रयोग, गंगा जल या गंगा रस के प्रयोग से इस चर्म रोग से हम सभी मुक्ति पा सकते हैं। आपको ये करना है कि हरिद्वार ऋषिकेश में स्वर्ग आश्रम में जो स्वामी राम सुखदास जी का आश्रम है उसकी आगे गंगा जी जो बहती हैं वहाँ की महीन बालू जिसे रज भी कहते हैं स्नान के 10-15 मिनट पहले अपने शरीर में लगा लेना है और लगा करके 15 मिनट बाद गंगा जी में ही स्नान कर लेना है। लेकिन ये सब लगाने के पहले आपको माँ गंगा जी से प्रार्थना करनी है कि हे माँ गंगे, मेरे शरीर में जो भी कष्ट है, चर्म रोग, दाद, खाज, खुजली या फिर जितने प्रकार भी फोड़े फुंसी जो भी असाध रोग हैं, सफ़ेद दाग हैं, इसमें सब में ये गंगा रज का प्रयोग आप कर सकते हैं। माँ गंगा से प्रार्थना करें कि माँ मुझे शारीरिक कष्टों से मुक्ति दिलाइए। और एक बात और, जब भी गंगा जी में स्नान करें उसके पहले माँ गंगा जी से प्रार्थना करें कि हे माँ, मैं आपके जल में स्नान करना जा रहा हूँ, मुझे क्षमा करें, क्योंकि माँ हमारे सभी पापों तापों संतापों को मिटाती हैं। गंगा जल की और इस गंगा रज की विशेष महिमा है, इससे बहुत सारे रोग ठीक होते हैं गंगा जल में। आज हम केवल चर्म रोग से मुक्ति से का उपाय बता रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के पास समय नहीं है वहाँ पे 15-20 दिन रहने का, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि वहाँ की जो स्वर्ग आश्रम की आगे जो गंगा जी हैं उसकी महीन बालू यानी रज आप उसको अपने घर ले आइए और वहाँ से ही गंगा जल ले आइए। फिर उसको ला करके जितने दिन आप वहाँ कर सकते हैं वहाँ कर लीजिए, फिर अपने घर में ला करके अपने उसको उसी गंगा जल में बालू को घोल करके, गंगा रज को घोल करके अपने शरीर में जहाँ भी आपको कष्ट है लगाइए और माँ गंगा से प्रार्थना करिए कि माँ मुझे इन शारीरिक कष्टों से मुक्ति दीजिए स्नान के 15 मिनट पहले, और उसके बाद आप स्नान कर लीजिए। इससे आपको चर्म रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। ये एक बहुत ही मतलब अजमाया उपयोग है, इसको मुझे कई लोगों ने बताया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका एक वीडियो बनाया जाए और सब तक सब लोगों को पहुंचाया जाए ताकि इस असाध रोग से लोग छुटकारा पा सकें और माँ गंगा की कृपा सब पर बनी रहे। नमस्कार।